कल का ऑफ है बेटा, पहले ही बता चुका हूं मैं। हो गया भाई पहला। अभी कंगना, भव्य, मौलिक, यस ये समझ में आ गया? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, किसी सर। को दिक्कत है अभी? नहीं सर, समझ में आ गया। चलिए भाई, बस बस बस, क्यों बातें कर रहे हो बेटा? नाउ इन ट्राइंगल, आप देखो अभी मैंने क्या लिया था, ये वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, स्वाभी बोलो एंगल बी, पूरा एंगल बोल बेटा। ये कौन से, इस वाले ट्राइंगल में कौन 90 डिग्री? बी, मेरे को एक सिंपल मत बोल, पूरा एंगल बोल। पूरा एंगल का मतलब है जो बीच में आता है, पूरा ऐसा बोल। इधर आ जाओ, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। इधर आ, हाँ बोल। पी डी सी डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी Each 90 डिग्री। दूसरा एंगल कॉमन बताओ, सी बी डी। एंगल बी कहाँ कॉमन है बेटा, पागल होगी क्या? पूरा सी कॉमन है, हाँ बोल। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी, ठीक है, बैठ जाओ। सो भाई ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए। अब देखो बी सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी, बिल्कुल बी सी ले गए, बी सी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉमन आ गया। बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू 8 1 2। बेटा फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, और राइट हैंड साइड ऐड कर दो बेटा। 8 फर्स्ट एंड सेकंड, देखो उधर ए बी स्क्वायर आ रहा है, इधर बी सी स्क्वायर आ रहा है, इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी और प्लस सी डी इंटू ए सी। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ए सी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, ए डी प्लस सी डी। बेटा फिगर में देखो, ए डी प्लस सी डी किसके इक्वल है बोलो भाई? अरे ऑनलाइन, ए डी प्लस सी डी किसके इक्वल है फिगर में देखो, ऑनलाइन वाले बोल दो, नहीं तो मैं अभी है ना आ रहा हूँ ऑनलाइन ही, जल्दी बोलो। एसी एसी, जागो मोहन प्यारे जागो, इक्वल टू एसी स्क्वायर। हो गया प्रूफ? तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ये इसकी पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। इस तरह से ये प्रूफ होगा। अरे बेटा मैं या तो खोल दे सारी, नहीं तो मैं खुलवा देता हूँ। 10 घंटे हो गए मेरे को देख रहा हूँ, जब क्लास स्टार्ट हुई जब से ही उनको देखता जा रहा है। क्या है?
इतने तो लड़कियां चूड़िया भी नहीं देखती जितना तू देख रहा है। दो ही नहीं बनती, एक ही बनती। दो कहां दिखनी दो? वो चल रहा था ना व्हाट्सएप पे, 10 रुपए ट्यूशन वाली बहन के लिए। नहीं पढ़ा है, नहीं देखा तुमने? 11 रुपए, नहीं 11 रुपए स्कूल वाली बहन के लिए, 10 रुपए इसके लिए, टोटल 80 रुपए उसमें सब कुछ, और 2 रुपए घर वाली के लिए, 2 इसलिए। अरे लिख लिया सर। हाउ क्या होता है? हाउ मतलब बेटी है, साहब बेटी। अरे यही बेटी आप मारना मत उसके। चलिए भाई अब इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जब तक ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, आपको इसको करने में मजा आएगा यदि आपको समझ में आएगा। ठीक है, काय का टाइम हो गया, 10 मिनट बाकी, पागल हो गया, बर्थडे है तेरा। चलिए भाई राइट डाउन पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। तू है ना बेटा, 10 मिनट में नहीं आया ना तो तू पिट जाएगा ना। आएगा तो सही, कहां जाएगा, जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सब मौलिक हो रहे हैं, बताओ है, क्या करूं मैं। चलो दूसरा लिख देते हैं, वो तो छोड़ो उसको। लिखो आप BL and CM are medians. BL and CM are medians of triangle ABC. Right angle at A. Right angle at A. Prove that 4 times of BL square plus CM square equal to 5 times of BC square. 5 times of BC देखो भाई बनाओ। अरे पहले वाला किससे बनेगा बेटा? राइट एंगल एट एन है, ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा। अरे तो मैंने देखा नहीं था ना पहले राइट एंगल कहां पर है, बाद में पता चला ना राइट एंगल एट है। देखो जब भी राइट एंगल आ जाए पाइथागोरस थ्योरम लगाना। दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ये स्क्वायर का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप तो राइट एंगल को पकड़ो। पहला ट्राइंगल ए सी एम, इन ट्राइंगल ए सी एम, ए सी एम राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? बाय पाइथागोरस थ्योरम
लेकिन ए एम किसका हाफ है? ए बी का हाफ है। तो मैं इसको ए बी बाई टू लिख दू क्या? बोलो भाई, इसको ए बी बाई टू लिख दे क्या? Yes, ये आ गया आपका सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 एलसीएम ले लीजिए बेटा। और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वाली स्टेप में किसी को दिक्कत है तो पूछिए। अभी कंगना, भवे, मौलिक, 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसमें और ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सबको समझ में आया क्या किया मैंने? कल्पना बोलो इधर। हाँ सर, समझ में आ गया। फिर एक और राइट एंगल ट्रायंगल देखो, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ए बी एल, बिल्कुल सही है। इन ट्रायंगल ए बी एल, इन ट्रायंगल ए बी एल, इन ट्रायंगल ए बी एल। करो भाई एक मिनट के लिए। मौलिक, ए बी एल में राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा। खड़ा होके बोल, जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है, चाय भी पीनी है। फिर ए बी एल दिख रहा है? इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है? एल एम का सर बी एल, तो बी एल का स्क्वायर बोल। बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए एम कहां से आ गया? ए बी एल में ए एम आ रहा है कि तेरा? क्या तू गजब आदमी है यार, तेरे को ये दिखता नहीं है कि ए बी एल में कौन? ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पे। अब कौन आधा है? कौन आधा है? ए एल आधा है किसका? ए सी बाई टू। प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4 एलसीएम आ गया। स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, एड फर्स्ट एंड सेकंड। 4 सी एम स्क्वायर प्लस 4 बी एल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अरे फोर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो 4 कॉमन आ गया, सी एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इधर बेटा ये 5 टाइम्स हो गया सब, और 5 कॉमन लो बेटा। वापस से पाइथागोरस थ्योरम देखो उसमें। अरे फिगर में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर देखना किसके इक्वल आ रहा है। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अभी फिगर में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है देखो पाइथागोरस थ्योरम से। अरे बोलो। हाँ सर। अरे भाई आपका ट्रायंगल अभी बना देता हूँ। ये आ गया 5 बी सी स्क्वायर। देखो ये ट्राइंगल था ए ए बी सी, ये क्या था? एम एल। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? बी सी स्क्वायर के। 90 डिग्री इसके आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसलिए 5। और यही प्रूव करना, और यही हमें प्रूव करना है। क्लियर? चलिए लिख लो जल्दी से, कल दोबारा वापस रिपीट कर देंगे अगली क्लास। यहां तक लिख लीजिए बेटा, यही प्रूव करना था आपको।
सर ये हो गया आपका ऑनलाइन परसों क्लास नहीं है बेटा, परसों मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स क्लास में।